पीपल आउट देयर, आज जो मैं करने वाली हूँ ना, आज जो मेरा एकदम अपडेटेड स्किन केयर रूटीन है मैं वो करने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस की आइजिंग कर ली है. अगर आपने मेरी पहली स्किन केयर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा अपना फेस वॉश करने के बाद एक आइस क्यूब लगा लेती हूँ. तो अभी क्योंकि मेरी स्किन पे काफ़ी एक्ने मार्क्स हो रखे हैं सी काफ़ी ज़्यादा, तो दैट्स वाई मैं अभी जो आइस क्यूब यूज़ कर रही हूँ ना वो ग्रीन टी को, जो ग्रीन टी बैग्स होते हैं उसको 3-4 एक साथ जो है पानी में उबाल के फिर उसका पानी ठंडा करके आइस क्यूब बना के फिर वो वाला लगा रही हूँ. तो यार एक वो चीज़ है और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, मेरे एक्ने काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए हैं. सो लेट्स बिगिन. शुरू करने से पहले यार एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि प्लीज़ अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अलॉन्ग विद दैट जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी दबा देना जिससे कि आपको मेरी वीडियो की जो भी नई अपडेट्स हैं वो मिलती है. अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहला जो ये मेरा फेवरेट टोनर है प्लम का, दिस इज़ ग्रीन टी टोनर, एल्कोहल फ्री टोनर है ये. मैं थोड़ा सा लेती हूँ इस तरीके से और इसको अपने पाम पे ही इस तरीके से रख करके पूरे फेस पे लगा लेती हूँ. नाउ आई विल लेट इट ड्राई. इसके बाद मैं एक और टोनर लगाऊंगी इसके ऊपर, उसके बाद फिर मैं किसी सीरम पे जाऊंगी. जो हमारा सेकेंड टोनर है ये एक प्लम का नाइस नमाई टोनर है, वाटर टोनर है, जो कि मेरे स्किन को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अंदर से ग्लो देता है. तो ये भी मैं सेम प्रोसेस हाथ पे लिया, रब किया. सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है हमारा और क्योंकि अभी मेरी स्किन काफ़ी ऑयली हो रखी है तो मैं अभी विटामिन सी टोनर इस टाइम नहीं, मैं रात के वाले में जो मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है वो करती हूँ. अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये जो मिनिमलिस्ट का है, ये मिनिमलिस्ट का नाइट नमाई टोनर यूज़ कर रही हूँ. ये मेरे एक्ने मार्क्स वगैरह के लिए और ऑयली स्किन के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा होता है. जस्ट टेक 2-3 ड्रॉप्स, दैट्स इट. पूरे फेस पे डाप डाप करके आपको अब्जॉर्ब करा लेना है, मतलब बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है इसको. ये करने के बाद जो आपकी आई क्रीम है, आई क्रीम अभी जो मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम अगेन फ्रॉम प्लम. यार ये मत सोचना कि प्लम का वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, मुझे प्लम के प्रोडक्ट एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से आई एम यूजिंग दिस. ये क्रीम जो है हाइड्रेट तो बहुत अच्छे से करती है, बट जस्ट द थिंग इज डार्क सर्कल्स पे जो आपके पर दिखेगा ना वो कुछ टाइम के बाद दिखेगा, तुरंत तुरंत नहीं दिखता है. बाकी हाइड्रेशन बहुत अच्छा है इस क्रीम का. सी आप देख सकते हैं अभी मेरी अंडर आई भी हाइड्रेट हो चुकी है. नाउ व्हाट आई डू, जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र, मैं वो यूज़ करूँगी. एंड अभी ना ये मुझे सहदेव का वट ये वाला एलोवेरा जेल है इसका विद कुमकुम आदि तैलम, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा. अभी मैं कुमकुम आदि तैलम ऑयल जो होता है वो नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, दिस इज़ बिकॉज कि मेरी स्किन में मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा ही ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो आई डोंट थिंक अभी इस पॉइंट पे ऑयल यूज़ करना अच्छा होगा वरना एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. तो दिस वजह से दिस पर्टिकुलर थिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे खासा हाइड्रेट भी करती है और साथ में इट इज़ फिल्ड विद गुडनेस ऑफ कुमकुम आदि. दैट्स इट. जो हमारा लास्ट स्टेप है दिस इज़ ये सनस्क्रीन. सनस्क्रीन लगाने के लिए मतलब आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है सनस्क्रीन लगाने, आपको अच्छे से लगाना है सनस्क्रीन लगा के पूरे फेस पे. बस दैट्स इट. आपको ना ये थोड़ी देर छोड़ देना है, अभी आपको लग रहा होगा मैंने पूरा एब्जॉर्ब करा लिया, बट नो दिस इज इट्स नॉट सो. अभी ये मैंने फेस पे आई थिंक 30 सेकेंड के लिए मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही, उसके बाद फिर आई जस्ट मसाज इट इन टू माई फेस और जस्ट डैब इट इन टू माई फेस जिससे कि जो है ये अच्छे से सेट हो जाए. एंड देन दैट्स हाउ आई थिंक कि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, कि मतलब उसे प्रॉपर लेयर बनाने का टाइम मिल जाता है. तो यस दैट्स इट.
दिस इज माई सिंपल स्किन केयर रूटीन। ये मैं चाहे घर में रहूँ चाहे बाहर, बस बाहर में ये होता है अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो अभी मैं घर के अंदर यूज़ करती हूँ ये SPF 30, ठीक है, और अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ देन आई यूज़ SPF 50, वो कोई भी हो, मतलब अभी तो मुझे फ़िलहाल एक्वालॉजिका की जो सनस्क्रीन है वो बहुत अच्छी लगी, SPF 50, एंड ऑल्सो मिनिमलिस्ट की SPF 50, SPF 60 मिनिमलिस्ट की और बहुत वाइड कास्ट होती है, तो दैट्स वाई SPF 60 तो नहीं, बट हाँ मिनिमलिस्ट की SPF 50 भी बहुत अच्छी है। एंड फॉर ऑयली स्किन पीपल बाकी सारी सनस्क्रीन छोड़ दो, जस्ट दो हैं आपके लिए, एक जो है आपकी वो वाली एक्वालॉजिका की मैं, और एक डॉक्टर शेट्स की है। यार मैंने सनस्क्रीन की एक अलग वीडियो बनाई थी जो कि अगर आपको देखना है तो आप जो है मैं मतलब लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में स्क्रीन पे कहीं मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। बस ये सूख गया है, अब ये सूख गया, अब मैं इसे क्या करूँगी, डैब डैब करके एब्जॉर्ब करा लूँगी। Well, that's it. I'm done for today. I'm ready. अब अपनी स्किन प्रिपरेशन के लिए मुझे जो भी करना है, कहीं बाहर जाना होता है तो थोड़ा सा मेकअप, तो yeah, that's it for my today's स्किन केयर रूटीन। एक चीज़ और बचता है लिप बाम, आप अपने चॉइस का लगा सकते हो। मैं अभी यहाँ पे एक लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ अ क्लियर लिप ऑयल। बस दिस इज इट, अभी बस इसके ऊपर अगर कोई मेकअप वगैरह करना है तो आप वो कर सकते हो, वरना यू आर गुड टू गो पूरा दिन के लिए। या एक चीज़ मुझे आपसे फिर से बोलनी है कि यार प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना बाकी लोगों के साथ भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो, एंड साथ में ये जो सब्सक्राइब है नीचे वो भी दबा देना, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना जिससे कोई भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको अपडेट मिलती रहे। या दैट्स इट, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।